है दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीटी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मैथ और रीजनिंग का, उसके आधार पर जो भी बच्चे बताए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा है, उसके आधार पर हम ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, अंक इधर उधर हो सकता है, जो अंक है उसका इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये स्मृति के आधार पर बनाया गया है वीडियो, ठीक है। हम दूसरे चैनलों जैसे ये नहीं कहेंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों ने फ़ोन पर बताया, उसके हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि मैथ में पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जैसे कि हम नोट करके रखे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर नीचे हो गया था, अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या था? ये पहला क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन था, इसमें आपका दिया था 31, 41, 31, 41, 51 और 61, ठीक है। ये था आपका ऑप्शन में। तो इसमें अभाज्य संख्या वो संख्या होती है कि जो एक और स्वयं से विभाजित हो, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें 31 जो है ये अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये एक और 31 यानी कि स्वयं से विभाजित है। 41 है, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद से 51, देखिए ये 3 और 17 दोनों से कटेगा, 51 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि ये 51 जो है अभाज्य संख्या नहीं है और 61 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 51। जो भी लोग 51 पे ऑप्शन पे टिक किए होंगे, अगर ये एग्ज़ाम में है, तो उनका क्या होगा? क्वेश्चन सही होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे में क्या पूछा था, ठीक है। आगे में देखिए, आगे में ये पूछा है कि 2 गुणे, यहाँ पे लिख देते हैं 2 का घात 1 और गुणे यहाँ पे दे दिए हैं 15 का घात 3 और गुणे 5 का घात 3 गुणे 6 का घात 3। इसमें पूछा है आपका कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? इसमें दिया है 2 का घात 1, 15 का घात 3, 5 के घात 3 गुणे 6 का घात 3। हम आपको बता दें कि यह संख्या पद्धति से ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन ये बच्चे बताए हमको, ये संख्या पद्धति का है। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ से अभाज्य संख्या क्या होती है? सेम इसी के जैसा है कि जो केवल अपने से और एक से विभाजित होती है, वही अभाज्य होती है संख्या, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से तो 2, ये तो किसी से भाज्य होगा नहीं, यानी कटेगा नहीं। 15, कोई भी जब भी आपको सवाल दिखाई दे, कोई भी सवाल हो इस प्रकार का भाज्य गुणनखंड में, तो इसको तोड़ लेंगे। 3 का घात 3 और गुणे 5 के घात 3, कोई भी अंतर नहीं है। अब 3 को और 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, यहाँ पे है 5 के घात 3। 6 को भी तोड़ेंगे तो 2 का घात 3 और गुणे 3 के घात 3। अब यहाँ पर जितना भी घात है, इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 1 घात 3 4, 3 7 3 10 3 13 3 16, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे में किस प्रकार का और मैथ में सवाल पूछा है। वो बोल रहा था कि परसेंटेज का भी सवाल, तो देखिए ये परसेंटेज का सवाल जो नोट किया है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए देखिए आगे में क्या है कि जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है, ठीक है। जब एक संख्या के 60% से, तो हम संख्या x मान लेते हैं, जब एक संख्या के 60% से, तो x के 60% हो गया। कह रहे हैं कि 60% से 60 घटाया जाता है, 60 इसमें से घटा दे, तो कह रहे हैं कि परिणाम जो आता है वो 60 प्राप्त होता है, हो गया। जब एक संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ऐसा सवाल दिया था। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3x/5, और ये -60 इधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, यानी कि 60 60 120। 3 से इसको काटेंगे तो 40, तो x बराबर वो संख्या क्या हो जाएगी? 200, यानी कि x के मान इसमें क्या आ जाएगा? 200, और ऑप्शन में वो बता रहा था कि 200 भी है, ठीक है। तो यहाँ से किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमारा कितना होगा? 200 होगा, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं
इसमें कि आगे किस प्रकार का सवाल दिया है। तो देखिए आगे में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ देखिए इसमें दिया है एक वर्ग वर्गमूल का सवाल दिया है, ठीक है। वर्ग वर्गमूल का सवाल दिया है कि इसका क्या होगा। इसमें दिया है कि करणी में, आगे देखिए करणी में 0.000125, इसका कह रहा है कि घनमूल कितना होगा। 0.000125 इसको हम कई तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम करने के लिए ऑप्शन में भी दिया है आपके सामने में, तो ऑप्शन को भी छोड़िए। ये तीन का मतलब है कि जो तीन पर एक बाहर आएगा। अब देखिए हम तीन तीन छः, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 125 और बटा में 2, 4, 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पष्ट है। अब देखिए 125 का वर्गमूल नहीं घनमूल, घनमूल कितना होगा, 5, 5, 25, 5, 125, यानी कि घनमूल 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो पर 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो पर 1 जीरो, और 2 जीरो पर 1 जीरो कब निकालेंगे, जब ये वर्गमूल रहता, लेकिन यहाँ पे घनमूल है तो 3, 3 जीरो पर 1 जीरो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो गया, और 3 पर 1 निकालेंगे तो 1 जीरो, फिर 3 पर 1 निकालेंगे तो 1 जीरो, यानी कि जो हमारा ऑप्शन आएगा ये 0.05 आएगा इसका, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.05 आएगा, ठीक। अब आगे में देखते हैं कि आगे किस प्रकार क्वेश्चन है। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए इसमें अब अगला सवाल औसत से। अब देखिए इसमें संख्या पद्धत, प्रतिशत और औसत, इन तीनों चैप्टर से टच किया है ज़्यादा क्वेश्चन, तो ज़्यादा तो आता नहीं है मैथ में, आप लोग जानते ही हैं। देखिए औसत में क्या सवाल दिया है इसमें कि प्रथम अर्धांश दूरी, यानी कि प्रथम अर्धांश दूरी इसमें दिया है, ठीक है। प्रथम अर्धांश दूरी हम आपको समझा रहे हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रथम अर्धांश दूरी दे दिया है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद से दे दिया है कि द्वितीय अर्धांश दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, द्वितीय अर्धांश दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिया है। तो इसका पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी कि औसत चाल कितना होगा, ठीक है। अब इसका औसत चाल पूछ रहे हैं कि औसत चाल आपका क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा इधर उधर होगा तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही अपडेट आया है वैसे ही हम आपको वीडियो बना रहे हैं। तो औसत चाल इसमें क्या होगा, तो औसत चाल का मतलब होता है कि इसमें दूरी दोनों का बराबर है तब औसत चाल निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है 2xy और बटा में x+y, यानी कि 2 × पहला चाल × दूसरा चाल और बटा में दोनों चाल का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यानी कि 80 और 64 को जोड़ देंगे तो 144 इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब उसके बाद से हम आगे कटा देंगे, कटाइए कैसे कटाते हैं देखते हैं किससे कटता है। तो देखिए 8 से कटाएंगे तो ये 10 बार में 8 × 8 6 × 4 = 8 = 64, ठीक है। उसके बाद से 2 से 9 बार में कटा देंगे, उसके बाद से तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 640, ठीक है, बट्टे में 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 640 बट्टे में 9। अब इसको हम दशमलव में ले जाएंगे, देखिए दशमलव में कितना बार में जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 × 7 = 63, ठीक है। 10 9 × 9 यहाँ पर क्या बचेगा, फिर 10 बचेगा, 9 × 9 यानी कि 71.11 के करीब में इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, औसत चाल से संबंधित है, यानी कि मैथ का जो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत, संख्या पद्धत और औसत चाल से संबंधित, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, यही मैथ में। फिर हम आगे रीजनिंग का वीडियो बनाएंगे कि रीजनिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।